सबको जय यीशु की। संडे पासवर्ड टू द वर्ल्ड इस शीर्षक के अंतर्गत 24वें सामान्य काल के इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों को ग्रहण करते हुए ये सुंदर जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का मुख्य विषय है क्षमा। क्षमा हम सबों को कितनी ज़रूरी है। सबसे पहले इस बात का एहसास हम करें कि हम दिन प्रतिदिन, हर पल पल, हर घड़ी कितने कुछ गुनाह, गलती, अपराध, पाप हम लोग करते हैं और वो ईश्वर जो हम सबों से बेहद प्यार करता है हमें बार बार माफ़ करता है, बार बार क्षमा करता है। इस बात को हमें एहसास करने की ज़रूरत, जितना हम गहराई से इस बात को एहसास करेंगे उतना हम दूसरों को क्षमा दे पाएंगे। और यही बात आज के सुसमाचार के द्वारा हमें समझाई गई, बताई गई। निर्दयी सेवक का उदाहरण के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, सेवक का बहुत ज़्यादा कर्ज था अपने मालिक के प्रति, लाखों का। मालिक ने बोला कि अदा कर दो, उसके पास नहीं था, गिड़गिड़ाया, उसने समय मांगा, मालिक ने उस पर दया की और सारा कर्ज माफ़ कर दिया। और उसका एक सहसेवक था, 100 रुपये का कर्ज था, उसने भी कहा मुझे समय दो मैं अदा कर दूंगा। लेकिन उस माफ़ी पाने वाले उस सेवक ने अपने सहसेवक के प्रति दया नहीं दिखाई, क्षमा नहीं किया, समय नहीं दिया, बल्कि कठोर व्यवहार किया। और जब ये बात राजा को पता चली, राजा ने उस व्यक्ति को जिसको पहले माफ़ किया था उसको भी सजा दी। यानी कि प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा हम सबों को क्या सिखाता है, अगर हम प्रतिदिन ईश्वर से क्षमा माफ़ी मांगते हैं और माफ़ी हमें मिल जाती है, ईश्वर क्षमा कर भी देता है, और हम दूसरों को क्षमा करने में हिचकिचाते हैं, पीछे हटते हैं, माफ़ी नहीं देते हैं, बदले की भावना के उतारू होते हैं और गुस्सा रखते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दूसरों को चोट पहुँचाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो ईश्वर हमें यही संदेश देता है। तो हमारे साथ भी वही कठोर व्यवहार करेगा वह ईश्वर। और जिस दिन हमारे साथ ईश्वर कठोर व्यवहार करेगा, हमें माफ़ नहीं करेगा, हमें क्षमा नहीं करेगा, हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम पाप की अवस्था में रहेंगे, स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे। इस बात को, इस महत्वपूर्ण बात को आज के दिन में हम सबों को समझने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। तो भाइयों बहनों, हर संडे की भांति आज भी हम 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से प्रभु की बातों को हम समझने की चेष्टा करें। तो सबसे पहली बात है, पाप से हमारा रिश्ता एक दूसरे से और ईश्वर से कट जाता है। इस बात को हमें समझना चाहिए, हमारा रिश्ता ईश्वर से और एक दूसरे से पाप के वजह से कट जाता है। जो पाप करता है वो उसको मृत्यु दंड, एक प्रकार से उसका पाप का वेतन मृत्यु है। अब जो पाप करता है उसका रिश्ता एक दूसरे के साथ कट जाता है, यानी कि एक संबंध, मधुर संबंध, प्यार भरा संबंध गलती करने से वो कट जाता है। इसलिए इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है, हम सभी पापी हैं, सभी कमी कमजोर से भरे हुए लोग हैं, हर व्यक्ति में दुर्बलता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोग पाप करते हैं, गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, ये फैक्ट है। इस फैक्ट को हमें स्वीकार करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि मैं पापी हूँ। सबसे पहली बात यह है, आई एम अ सिनर, मैं एक पापी हूँ। जब हमारे संत पिता बने थे 2013 में, जब उनसे एक मीडिया के व्यक्ति ने जाके पूछा आप कौन हो, उन्हें बड़े विनम्रता से ये नहीं कहा कि मैं संत पापा हूँ या पूरे कैथोलिक कलीसिया का मुखिया हूँ, ये नहीं कहा, बल्कि विनम्रता से उन्होंने यही कहा मैं एक पापी हूँ। उन्होंने अपनी परिचय में यही कहा मैं एक पापी हूँ। और यही स्वभाव मैं समझता हूँ हम में से हर व्यक्ति के अंदर अगर होगा, मैं एक पापी हूँ और मुझे उस ईश्वर की दया की आवश्यकता है, उसके क्षमा की, माफ़ी की आवश्यकता है, इस बात का एहसास हमारे अंदर रहेगा, हम हमेशा सही दिशा में, सही रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, मैं पापी हूँ, मुझसे गलतियाँ हो सकती, पाप हो सकते हैं, इस बात का एहसास नहीं होगा, तो हम दूसरे व्यक्ति गलती करने पर उनके ऊपर
चढ़ पड़ते हैं, यानी कि उनको सजा देने के लिए निरंतर तैयार रहते हैं। इसलिए सबसे पहली बात इस बात को स्वीकार करना कि मैं पापी हूँ, अगर मैं पाप करता हूँ मेरा रिश्ता ईश्वर के साथ कट जाता है, मेरा रिश्ता एक दूसरे के साथ कट जाता है। जब रिश्ता कट जाएगा वहाँ पर आशीष आना बंद हो जाता है, वहाँ पर आशीष आना बंद हो जाता है, प्यार का संबंध टूट जाता है, शांति भंग हो जाती है। इसलिए बहुत प्रकार के डिस्टर्बेंस वहाँ पर आता, पाप इस दुनिया में आए, पाप के साथ सभी ईश्वर के महिमा से वंचित किए गए। संत पौलुस बताते हैं कि सारी महिमा से हम लोग वंचित हो जाते हैं, कृपा से अनुग्रह से ईश्वर के आशीषों से हम सभी वंचित हो जाते हैं। ये पहली बात हमें याद रखने आवश्यकता है। दूसरा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, माफ़ी मांगने से, माफ़ी देने से रिश्ता जुड़ता है। ये रिश्ता टूटा हुआ रिश्ता पाप से कैसे जुड़ेगा, माफ़ी देने से और माफ़ी मांगने से। तो हर दिन हम प्रभु के पास जाएँ, प्रातः उठते ही प्रभु से प्रार्थना करें, शाम होते ही हम प्रभु से माफ़ी मांगें। दिल प्रतिदिन पूरे दिन भर में कितनी गलतियां सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा, उठने बैठने के द्वारा, आदतों के द्वारा, कार्यों के द्वारा कितना कुछ हमने नुकसान किया, गलती किया, पाप किया, अपराध किया, किसी को ठेस पहुंचाई, इन सभी बातों के लिए माफ़ी मांगें। और ये बहुत ही ज़रूरी है माफ़ी मांगना, और नियमित रूप से पाप स्वीकार करना उतना ही जरूरी है। पाप स्वीकार है संस्कार जिसके द्वारा हमारे सारे पाप के दाग मिटा दिए जाते हैं, एक नया जीवन जीने की कृपा हमें मिलती है। इसलिए हमें निरंतर प्रभु से माफ़ी मांगना, जब माफ़ी मांगेंगे और दूसरों को माफ़ी देंगे तब हमारा रिश्ता संबंध ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाता हमारा, अन्यथा हमारा रिश्ता कट जाएगा तो हमारे जीवन में आशीषें नहीं आएंगी। तीसरा बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के सम्मुख दिए गए हैं, क्षमा किए बगैर हमारी बेंट भी ईश्वर को पसंद नहीं। अगर हम माफ़ी नहीं देते, क्षमा नहीं करते तो हमारी बेंट ईश्वर को पसंद नहीं है। यानी कि हम लोग पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 प्रसंग 23 और 24 में, यदि तुम मंदिर जा रहे हो बेंट चढ़ाने के लिए और वहाँ तुम्हें याद आए अपने भाई या बहन के खिलाफ कोई ऐसी बात याद आए तो अपनी बेंट वहीं पर छोड़ो, और सबसे पहले अपने भाई से बहन से जिससे तुम्हारा रिश्ता संबंध ठीक नहीं है वो रिश्ता संबंध ठीक करो, उसके बाद आके अपनी बेंट चढ़ाओ। यानी कि आप प्रार्थना करने जा रहे हो, मिस्सा बलिदान में जा रहे हो, संस्कार ग्रहण करने जा रहे हो, प्रार्थना में बैठ रहे हो, प्रभु का वचन पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारा रिश्ता एक दूसरे के साथ ठीक नहीं है, अगर हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ ठीक नहीं है, भाई के साथ, बहन के साथ, उसके साथ, इसके साथ रिश्ता संबंध ठीक नहीं, बातचीत नहीं है, उठना बैठना नहीं, जाना आना नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, तो हमारा बलिदान, हमारी प्रार्थना, हमारा मिस्सा बलिदान सब व्यर्थ हो जाएगा। यही बात प्रभु हमें बताते हैं कि बिना माफ़ी दिए, माफ़ी लिए अगर हम कुछ भी करेंगे हमारी प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगी, वो प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचेगी, उसमें हकीकत नहीं होगी, उस प्रार्थना में कोई सामर्थ्य आशीष हमारे जीवन में नहीं आ सकती। और चौथा बिंदु प्रभु हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए बुलाता है, हमारे अनगिनत पाप ईश्वर क्षमा करता है, हमें भी हमारे विरोधियों के सारे पापों को क्षमा करने की ज़रूरत है। एक दिन में अगर हम विचार करें, मनन चिंतन करें, लिख के रखें, नोट करें, कितनी गलती हम लोग करते हैं, क्या ईश्वर हमें सजा देता है? नहीं देता है। वो ईश्वर दया का सागर है, दया से भरा हुआ वो पिता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा क्या कहता है, जब पेतरुस ने कहा क्या 7 बार तक माफ़ करें, प्रभु ने कहा ना 7 बार तक नहीं, काफ़ी नहीं है, 70 गुना 7 बार यानी कि अनगिनत बार भी अगर कोई पाप करता है और अनगिनत बार माफ़ी मांगता है, अनगिनत बार उसको क्षमा करने की बात प्रभु ने हमें कही, अनगिनत बार। वहाँ पर कोई अकाउंट नहीं रखा जाएगा, अकाउंट नहीं रखा जाएगा, रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जाएगा, इसने इतने पाप किए, अनगिनत बार पाप किए तो अनगिनत बार उसको माफ़ी मांगा है, माफ़ी देने के लिए प्रभु ने हमें सिखाया है। प्रभु यही सिखाता है, अगर हमें अनगिनत बार माफ़ी की ज़रूरत है ईश्वर से, तो हमें भी एक दूसरे को माफ़ करने की आवश्यकता, जिस प्रकार से हम हे हमारे पिता की प्रार्थना में बोलते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हे पिता तू मुझे क्षमा कर, हर दिन प्रार्थना में हम बोलते हैं, दिन में कई बार बोलते हैं, अगर मैंने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया इसका अर्थ यह है पिता मैंने क्षमा नहीं किया तू भी मुझे क्षमा मत कर, इसका अर्थ यह निकलता है। इसलिए इस बात को बड़े गहराई से समझना, इस बात को बड़े गहराई से समझते हुए उसका अनुकरण करना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगी, हमारी प्रार्थना प्रभु के कानों तक नहीं पहुँचेगी,
भले ही प्रभु का कान बहरा नहीं हुआ है, प्रभु सुन सकता है, प्रभु का हाथ सामर्थ्यवान हाथ है, वह सामर्थ्यवान हाथ हमें बचा नहीं पाएगा। अगर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्षमा नहीं मांगूंगा, क्षमा नहीं करूंगा दूसरों के लिए, तो एक प्रकार का ब्लॉक मैं डाल देता हूं मेरे जीवन में, प्रभु के बीच में, मेरे बीच में, एक दूसरे के बीच में, वो आशीष रुक जाएगी और मैं वहां पर तड़पने लगूंगा, परेशान होने लगूंगा। इसलिए प्रभु हमें बताता है, जैसे हम प्रभु से अनगिनत बार माफ़ी ग्रहण करते हैं, हम भी अनगिनत बार दूसरों को माफ़ी दें। जो माफ़ी मांगता है हम माफ़ी दें, और ताकि हम माफ़ी मांगने लायक हो जाएंगे। और पांचवा बिंदु है, क्षमा मांगने का अधिकार क्षमा देने से मिलता। क्षमा मांगने का अधिकार क्षमा देने से मिलता। क्षमा अगर मांगते हैं वो अधिकार तभी मिलता जब क्षमा देंगे। क्षमा नहीं देंगे, क्षमा मांगने का अधिकार हम खो देते हैं। हमने मान लो हमारे चार लोगों को माफ़ नहीं किया, हमने तय किया इसको कभी माफ़ करूंगा नहीं, इसके साथ मैं कभी बात करूंगा नहीं, इसके साथ मेरा कोई रिश्ता वास्ता है ही नहीं, और इस प्रकार का जीवन में बिता रहा हूं, क्षमा नहीं दिया चार लोगों को, चार जगह पर, तो मैं ईश्वर से क्षमा नहीं मांग सकता। अधिकार मैंने खो दिया। क्षमा मांगने का अधिकार तभी मिल सकता है जब मैं क्षमा देता हूं दूसरों को, तब क्षमा मांगने का अधिकार मुझे प्राप्त होगा। छठा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, क्षमा नहीं देने वाले को स्वर्ग नहीं मिलेगा। इस बात को हम समझ लें, क्षमा नहीं देने वाले को स्वर्ग नहीं मिलेगा। आज के इस निर्दयी सेवक के दृष्टांत में क्या बताया गया, जिस सेवक का लाखों का कर्जा था, उसके मालिक ने माफ़ किया, उसके अनुनय विनय करने पर जब इसी माफ़ी प्राप्त किए हुए सेवक ने उसका सह सेवक को माफ़ नहीं किया 100 रुपये के लिए, और उसको बंदीगृह में डाल दिया, जब राजा को पता चला, राजा ने इस सेवक को जिसको उसने माफ़ किया था पहले, उसको बंदीगृह में डाल देता, यानी कि उस अंधेरे में, उस नरक में डालने का उदाहरण हमारे सम्मुख रखा गया। यानी कि अगर मैं क्षमा नहीं करूंगा तो मैं स्वर्ग नहीं पा सकता, कभी भी यह संभव नहीं होगा। मैंने क्षमा नहीं किया, किसी को माफ़ नहीं किया, उसको इसको माफ़ नहीं किया, तो भी मैं स्वर्ग नहीं जा सकूंगा, क्योंकि वो दयालु ईश्वर, क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला ईश्वर चाहता है, उसका प्रेम में अगर मुझे बने रहना है, मुझे एक दूसरे से प्रेम करना होगा, किसी से नफरत नहीं करनी है, किसी के साथ पक्षपात या भेदभाव नहीं करना, बल्कि उनको गलतियों को माफ़ करना, तभी मैं स्वर्ग जा सकता हूँ, नहीं तो मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। ये बात हम समझें। और सातवां बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, पूरे हृदय से क्षमा करने के लिए प्रभु ने कहा। इसका अर्थ क्या है? पूरे दिल से क्षमा करने का अर्थ हमें समझने की आवश्यकता। मान लो किसी व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, मेरा नाम खराब कर दिया, मुझे बहुत दुख दिया, बहुत ठेस पहुंचाई, बहुत तकलीफ उसने दी, और उसके वजह से मेरा समाज में या पल्ली में और कहीं मेरा नाम खराब हुआ मान लो, और मैंने कहा चलो एक दिन उसने मुझसे आके माफ़ी मांगी और मैंने उसको माफ़ कर दिया, मैंने बोल दिया चलो माफ़ कर दिया, लेकिन जब जब उसके बारे में मैं सोचता हूँ या उसको देखता हूँ, मेरा खून उबल के आता है, गुस्सा आ जाता है, मन में एकदम मैं कुछ बोलने के लिए ऐसा होता हूँ, इसका मतलब क्या है? मैंने दिल से माफ़ नहीं किया। दिल से माफ़ करने का मतलब क्या है? मैंने एक बार माफ़ कर दिया उसकी गलती के लिए, और उसके बाद वो व्यक्ति मेरे सामने आता है, और उस वक्त उसको देखने के बाद, उससे मिलने के बाद, उससे बातचीत करने के बाद, मेरे दिमाग में ना गुस्सा आता है, ना दिल में कोई घृणा की भावना है, ना कोई द्वेष है उसने मेरे साथ ऐसा किया, बल्कि एक मधुर संबंध वहाँ पर बना हुआ है, तब इसका मतलब मैंने दिल से उसको माफ़ किया। ऐसा करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। और भाइयों बहनों, ये काम आसान नहीं है, बहुत 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 मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसलिए हमें इस बात को समझने के लिए, सीखने के लिए प्रभु के चरणों में बैठना होगा, प्रभु से कहना होगा प्रभु मुझे सिखा, एक दूसरे को माफ़ करने के लिए, दूसरे को समझने के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से प्रभु आपने उसूली पर मरते वक्त सबके लिए प्रार्थना की है, कहते हुए पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते, क्योंकि आप समझते थे हर एक व्यक्ति को, इसलिए आपने सबको माफ़ कर दिया। हमें भी एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरा क्यों गलती करता है इस बात को समझने के लिए, और उन्हें उदारतापूर्वक माफ़ी देने के लिए, ताकि मैं आपसे माफ़ी मांग सकूं, ऐसा काम करने के लिए, ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें सिखा, हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।